आप यमराज जी हैं, मृत्यु के देवता? हाँ हनुमान, मैं यमराज ही हूँ। प्रणाम। रक्षराज रावण की मृत्यु का समय आ गया है, मैं उसी के प्राण हरने अपना मृत्यु पाश लेकर निकला हूँ, किंतु मुझे भय है कि मैं अपने उद्देश्य में असफल ना हो जाऊं। रावण का मृत्यु बाण उसी के अधिकार में है, जिसे उसने अपने भवन में कहीं छुपा कर रखा है। और जब तक वो मृत्यु बाण किसी भी प्रकार से प्रभु श्री राम के हाथ में ना आ जाए, तब तक रावण की मृत्यु असंभव है। हाँ हनुमान, यदि वो मृत्यु बाण ना मिले तो मैं यमराज होकर भी अपना धर्म और कर्तव्य पालन में विफल हो जाऊंगा, किंतु हनुमान तुम तो बल बुद्धि एवं युक्ति में अतुलित हो, संकट मोचन हो संसार के, मेरे भी संकट हर लो हनुमान। किंतु मैं भी तो महारानी मंदोदरी से वो मृत्यु बाण प्राप्त करने में विफल हो गया हूँ। हनुमान, विफलता का अर्थ पराजय मानकर बैठ जाना नहीं होता, सफलता प्रयास करके ही प्राप्त होती है। सोचो हनुमान, कोई तो उपाय होगा इस बाण को प्राप्त करने का, कोई युक्ति, कुछ तो ऐसा होगा जिससे वो अधर्मी अपनी मृत्यु से ना बच पाए, उसका हृदय भी मेरे काल रूप के दर्शन से दहल जाए, मृत्यु का भय समा जाए उसके मन में। मृत्यु का भय अवश्य दहल जाएगा उसका हृदय आपके काल रूप के दर्शन से। मृत्यु का भय बहुत बड़ा होता है यमराज जी, उस अधर्मी को आप अपने इस मृत्यु काल रूप का दर्शन दीजिए, कहिए कि उसका अंत समय आ गया है, अवश्य ही भयभीत हो उठेगा वो कि बिना मृत्यु बाण के उसका अंत समय कैसे आ सकता है, और तब वो स्वयं हमें अपने मृत्यु बाण तक लेकर जाएगा। आ हनुमान, युक्ति तो अच्छी सुझाई है तुमने, मैं शीघ्र ही जाकर उसे दर्शन देता हूँ। मेरा ये अस्त्र तुम्हें तुम्हारे काल के दर्शन करा देगा। लो! देव है मृत्यु काल रूप, ये कैसे संभव है? मेरी मृत्यु का बाण तो मेरे पास ही सुरक्षित है। ये सब क्या होने लगा अकस्मात ही? ये रावण एकाएक भयभीत कैसे हो उठा? मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी मृत्यु का बाण मेरे पास ही सुरक्षित है। रावण, अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है, अब तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, असंभव है ये कैसे हो सकता? Yeah.
के राजभवन की ओर बढ़ गए हैं। कहीं यमराज मेरी मृत्यु का बाण लेने के लिए तो लंका नहीं जा रहे। मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे शीघ्र जाकर देखना चाहिए। अब तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने से कोई नहीं बचा सकता। मेरा अंत कभी नहीं हो सकता। उससे मेरी मृत्यु का बाण कोई नहीं छीन सकता। रावण बारंबार जीवित होता रहे किंतु मेरे प्रहार नहीं रुकेंगे। रावण तुम कितना भी मायावी धूम्र से स्वयं को छुपा लो, मेरी दिव्य दृष्टि से नहीं बच पाओगे तुम। तो इस धूम्र के पीछे छुपकर ये राक्षस अपनी माया से दो रूप बना रहा है, जिससे कि एक रूप यहां युद्ध करता रहे और दूसरा रूप मृत्यु बाण तक जा सके। तो मेरी युक्ति में तुम फंस ही गए रावण। तुम स्वयं मुझे उस मृत्यु के बाण तक लेकर जाओगे। रावण के इन दोनों रूपों में भेद करना कठिन है कि कौन वास्तविक रावण है एवं कौन मायावी रावण। रावण, बहुत चतुर समझते हो ना स्वयं को, किंतु मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। क्या देख रहे हो वनवासी? बहुत प्रहार कर लिए तुमने, अब मेरा भी प्रहार देखो। जहां भी जाओगे तुम्हारे पीछे आऊंगा मैं। हनुमान के बुद्धि बल का ही परिणाम है ये, जो रावण स्वयं मृत्यु बाण तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। रावण अकस्मात ही कहां लुप्त हो गया? अब मृत्यु बाण के इतने निकट आकर भी कहीं सारा किया हुआ व्यर्थ ना हो जाए।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रावण को मुझे शीघ्र ही ढूंढना होगा। वो है लंकेश, किंतु वो मायावी छिद्र तो बंद हो रहा है। उस छिद्र के बंद होने के पूर्व ही मुझे उसके पार जाना होगा। लाए प्रयोग कभी चतुराई, जामह लंके साउल छाई, मृत्यु बाण प्राप्ति के लाए, अंजनी नंदन युक्ति लगाए। रावण मार्ग स्वयं की प्रशस्ता, हनुमत आगे कोसि विवशता। बजरंगी जब बुद्धि लड़ाई, दुर्गम काज सुगम हो भाई। रावण, तुम हनुमान को अपने मृत्यु बाण तक ले ही आए। मेरे मृत्यु बाण तक मेरे अतिरिक्त कोई अन्य पहुंच ही नहीं सकता। यही होगा मेरा मृत्यु बाण। कोई नहीं है, कदाचित भ्रम हो गया था मुझे। तो ये है रावण की मृत्यु का बाण। मैं जानता था मेरे मायावी गुप्त स्थान से इसे कोई नहीं ले जा सकता। छोड़ता ठीक की स्थिति में है ये। अब जाकर उस वनवासी को समाप्त करता हूं। बहुत अस्त्र चला लिए उसने। अब रावण के अस्त्र चलेंगे। रावण, अब सुरक्षित नहीं रहेगा तुम्हारा ये मृत्यु बाण, और ना ही तुम सुरक्षित रह पाओगे। जय श्री राम। अब इसे लेकर मैं शीघ्र ही मेरे प्रभु के पास जाऊंगा।
और तब प्रभु अविलंब वध कर देंगे इस राक्षस राज रावण का और इसके साथ ही अंत हो जाएगा इस पाप के साम्राज्य का। रावण का ये मायावी पशु बड़ा ही भयंकर प्रतीत हो रहा है, किंतु विजय प्रभु के अस्त्र से निर्मित पशु की ही होगी, क्योंकि अधर्म कितना भी भयानक और बलशाली क्यों ना हो, विजय सदैव धर्म की ही होती है। छट गए, अब दिखाता हूं तुम्हें वनवासी कि रावण है क्या। मुझे शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करके यहां से निकलना होगा। ये क्या कर रहे हो हनुमान? क्या कर रहे हो हनुमान? क्या कर रहे हो? तुम छल का भी आश्रय लेने लगे हनुमान, धर्म की दुहाई देने वाला हनुमान, अब चोर कन पे उतर आया है, क्या ये अधर्म नहीं है? क्या सोच रहे हो हनुमान? जो तुम कर रहे हो वो उचित है क्या? धर्म से प्राप्त किए गए इस बाण को तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु स्वीकार कर लेंगे? नहीं, प्रभु इसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान को ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, अपराध है। मैं ये क्या करने जा रहा था? धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का आश्रय? उचित तो यही होगा तुम्हारे लिए हनुमान, ये अधर्म मत करो, लौट जाओ यहाँ से। अधर्म तो रावण ने किया है देवी, इस मृत्यु बाण को यमराज से छीन कर मैं तो न्याय कर रहा हूँ। विधाता ने जो भाग्य में लिखा है उसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। मैं भले ही चोर कर्म कर रहा हूँ किंतु ये धर्म की रक्षा के लिए है, मैं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, अतः ये कदापि अधर्म नहीं है। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे हनुमान, अधर्म का कलंक भी लग जाएगा तुम्हारे मस्तक पर। हनुमान तो असमंजस में फंस गए, इस दुविधा से निकलना होगा हनुमान को। यदि हनुमान रावण का मृत्यु बाण लेकर नहीं गए तो इस युद्ध का अंत कैसे हो पाएगा? प्रभु श्री राम के प्रयास विफल होते जाएंगे। नहीं, प्रभु श्री राम कदापि अधर्म का साथ नहीं देंगे। मुझे ये मृत्यु बाण यहीं छोड़ना होगा। यमराज जी, आपके इस निर्मल धर्मराज रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हनुमान, धर्म अधर्म की दुविधा में पड़ गए हो। हाँ धर्मराज जी। ये अधर्म नहीं है हनुमान, अपितु
तुम तो इस बाण को उसके उचित स्थान पर पहुंचाकर धर्म संगत कार्य कर रहे हो। किंतु है तो ये चौर कर्म ही ना, इसे मेरे प्रभु कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान, धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसीलिए तुम्हें इस बाण को प्रभु के संज्ञान में आए बिना ही उनके तुनीर में रखना होगा। इस प्रकार जैसे ही रावण के जीवन की अंतिम घड़ी आएगी, उसका मृत्यु बाण प्रभु के हाथ में आ जाएगा। किंतु ये तो पूर्णतया धर्म के विरुद्ध होगा, प्रभु के साथ छल होगा ये। नहीं हनुमान, कोई छल नहीं, कोई धर्म के विरुद्ध कृत्य नहीं होगा ये। मैं धर्मराज तुम्हें अधर्म का कार्य करने को कैसे कह सकता हूं भला? हनुमान, अधर्म तो तब होगा जब रावण का मृत्यु काल आने पर भी प्रभु श्री राम के हाथों से मृत्यु प्राप्त नहीं हो पाएगी। किंतु धर्मराज जी, कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। यमराज जी का कथन सत्य है, किंतु मेरे प्रभु श्री राम के लिए तो ये सर्वथा अनुचित और अधर्म ही है। क्या उनके बिना संज्ञान के ये कार्य करना अनुचित नहीं होगा? व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके प्रत्येक पक्ष पर अवश्य विचार करना चाहिए।